आवाहक मोहम्मद तहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है, जिस पर निशानात नहीं है, हड्डियां भी सलामत थी। मजीद जानते हैं, आज उसके नुमाइंदे फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद बशीर, बताइएगा, सेरोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया है, मजीद क्या बताया जा रहा है, रिपोर्ट कब आएंगी, अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें क्या साबित हुआ है? देखिए बिल्कुल, इस्लामाबाद ट्रेल फायर तहा की हलाकत का ये मामला है। तहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पुलिस को मौसूल हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तहा के जिस्म पे किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए, तमाम हड्डियां भी सही सलामत पाई गई हैं। पुलिस ने यह बताया कि तहा के सीरोलॉजिकल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सीरोलॉजिकल रिपोर्ट ज़हर खुरानी के हवाले से चेक किया जाएगा। पुलिस ने यह बताया कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने पहले लाहौर भिजवाए जाएंगे, जिसके बाद पुलिस की जाने से तमाम तर चीजें सामने आई हैं। यहाँ पे याद रहे कि 25 मई को जो है जो ट्रेल फाइव में तहा जो है वो उसकी हलाकत हुई थी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फहद, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। मोहम्मद तहा, जो कि ऊंचाई से खाई में गिरने की वजह बताई जा रही थी, पोस्टमार्टम में साबित हुआ है कि हड्डियां सलामत थी, सेरोलॉजिकल टेस्ट अभी करवाया जाएगा।